रिमेंबर मैं चैप्टर स्टार्ट करें दैट इज ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले उसके इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं क्या सारी चीजें। अगर मैं बात करूँ कोई भी बंदा जो बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस क्यों करता है, तो एक सिंपल सा आंसर आएगा सर प्रॉफिट करने के लिए। अब प्रॉफिट अगर उसे बढ़ाना हो तो उसे क्या करना चाहिए, उसका रीजन होता है कि आप सर सेल्स बढ़ा दो अपनी, अगर आपकी सेल्स बढ़ जाती है तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। दूसरा होता है आपके एक्सपेंसेस कम कर दो। Now, in this chapter, we are going to discuss about how to increase your sales. अगर आपको सेल्स बढ़ानी है, आप एक जगह पे एस्टैब्लिश बिजनेस है, आपका सब कुछ बराबर चल रहा है, पर आपको अपना सेल्स बढ़ाना है, तो यू हैव वेरियस ऑप्शंस कैसे कर सकते हो। एक चीज जो आपके पास आती है, सर हम लोग ने एक चैप्टर पढ़ा था कंसाइनमेंट, कोई कंसाइनमेंट जैसा कुछ कर देते, कंसाइन और कंसाइनी का कॉन्सेप्ट डाल देते। दूसरा एक हो सकता है कि सर किसी को ज्वाइंट वेंचर के तौर पे ले लो, भाई हम ज्वाइंट वेंचर कर लेते। तीसरा एक खेल हो सकता है कि भाई ब्रोकर को रख देते, दलाल जिसे बोला जाता है। अब वो ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर आपके बिहाफ पे वो सारी चीजें बेच के आएगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट टू द कंसाइनमेंट, पर ब्रोकर का कुछ थोड़ा और होता है। और लास्ट ऑप्शन एक आपके पास आता है कि भाई सर एक ऐसा कर दो ब्रांच ओपन कर लो। ब्रांच के अंदर यू वुड बी द ओनर, आपके देख रेख के अंदर ये सारी चीजें होगी, आप खुद ही ओनर हो और आपको ये सारी चीजें संभालनी है। तो यहाँ पे हम लोग ब्रांच के अंदर जो बंदा ओनर है वो ही एक अपनी ब्रांच निपटा देता है। जैसे कि अगर वो बंदा अहमदाबाद के अंदर है, उसे अपना ट्रेड बढ़ाना है, उसके सेल्स बढ़ाना है, सेल्स से प्रॉफिट बढ़ाना है, तो वो क्या करेगा, एक सूरत के अंदर ब्रांच खोल दे। भाई सारा काम यहाँ से ब्रांच के वाइज होगा, तो इस चीज को बोला जाता है ब्रांच अकाउंटिंग। अब इसका अकाउंटिंग कैसे करें, भाई सूरत के अंदर जो चीज है उसकी अकाउंटिंग हम लोग कैसे करें सूरत और अहमदाबाद के बीच में। तो नाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच। भाई एक होगी हमारी हेड ऑफिस जो मेन ऑफिस है, और उसके बाद ब्रांच। ब्रांच एक नहीं होगी, ब्रांच बहुत सारी हो सकती है। भाई हमारी ब्रांच हो सकती है अहमदाबाद के अंदर अलग अलग जगह पे हो, ज्योग्राफिकल वाइज लोकेशन बदलते हो, अहमदाबाद है, सूरत है, बड़ौदा है, या तो हो सकता है नेशनल लेवल पे काम हो रहा है या तो इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहा है, बहुत सारी जगह पे अलग अलग ब्रांचेस। अब इन सबके ब्रांच, तो यहाँ पे हम लोग एक सूरत वाली ब्रांच है, एक बड़ौदा वाली ब्रांच है, तो इन सबका हमें अकाउंटिंग करना है। तो हेड ऑफिस इसका अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेगी, ये चैप्टर बेसिकली डील करता है कि आप अकाउंट्स मेंटेन कैसे करोगे। अब ये अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए आपको ये चैप्टर सीखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सर ये होता क्या है, ब्रांच किस किस टाइप्स की होती है, तो ये टाइप्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब ब्रांच की टाइप्स कितनी होती है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ब्रांच के टाइप की, तो सबसे पहली जो टाइप होती है दैट इज डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच। दूसरी होती है हमारे पास जो टाइप होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ब्रांच। और तीसरी जो होती है वो हमारी होती है फॉरेन ब्रांच। अब इन सब ब्रांच के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है क्या, जैसे कि ये क्रैश कोर्स है तो यहाँ पे मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि हमारा मेजर फोकस रहेगा हाउ टू स्कोर मार्क्स, हम लोग ज्यादा डिटेल में टॉपिक्स पे चर्चा नहीं करने वाले। अब अगर बात करें डिपेंडेंट ब्रांच क्या है, डिपेंडेंट ब्रांच के भी कुछ टाइप्स है, पहले वो मैं लिख देता हूँ इसलिए आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ जाए, फिर उसके बाद सम्स पे जाते हैं। एक होती है डीलिंग विद ओनली कैश ट्रांजेक्शन, खाली कैश ट्रांजेक्शन कर रही। दूसरी होती है कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रही है। और तीसरी जो होती है वो ये होती है जहां पे कैश और क्रेडिट तो होता ही है बट एट इनवॉइस प्राइसिंग वो लोग काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है वो हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो उस टाइम पे देख लेंगे। अब यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच की, नाउ डिपेंडेंट ब्रांच ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई छोटा सा बच्चा है, वो उसके माँ बाप के साथ रह रहा है, तो ही बिकम्स ए लाइक अ डिपेंडेंट थिंग कि वो अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट होगा। कुछ भी पूछना होगा तो कहां से पूछेगा, मैं मम्मी पापा ये करूं, मम्मी पापा वो करूं, उसको कोई खर्चा करना है तो पैसे कौन देगा, तो भी मम्मी पापा उसे पॉकेट मनी देते हैं उसमें से खर्चा करेगा, उसका भी क्या देना होगा, हिसाब देना होगा।
तो यहाँ पे डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर, डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर होता ये हेड ऑफिस इज एज अ पेरेंट्स, वो कौन सी जगह पे, पेरेंट्स की पोजीशन पे। और जो ब्रांच है, जितनी भी ब्रांच है, जो जो ब्रांच आ रही है, वो सारी की सारी ब्रांच क्या है, वो बच्चों की तरह है। अब जब मैं बात कर रहा हूं बच्चों की तरह, इसका मतलब क्या है भाई, हेड ऑफिस उन लोग को सारा का सारा जो जरूरत होगी वो फुलफिल कर देगी उन लोग की, और सामने इन लोग ने जो भी कुछ पैसे कमाए या जो भी कैसा है, वो सारी की सारी चीजें उन लोग को कहां पे रेमिट कर देंगी, हेड ऑफिस को रेमिट कर देंगे। तो एक सिंपल सा लॉजिक हमारे लिए बैठ रहा है कि भाई ब्रांच, हेड ऑफिस ब्रांच को एक छोटे बच्चों की तरह रखेंगे, कि जो भी कुछ ब्रांच कर रही है उसका सारा हिसाब किताब कहाँ पे चला जाएगा, हेड ऑफिस के पास चला जाए, और हेड ऑफिस ही उनको सारे खर्चे के पैसे देंगे। इस चीज को बोला जाता है डिपेंडेंट ब्रांच। अब ये डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर सबसे पहले हम लोग जो आज पढ़ने वाले, दैट इज ओनली कस्टमर, तो ये हमारा बन जाएगा टाइप 1 वाले सेल, ये हमारे बन जाएंगे टाइप 2 वाले सेल, ये हमारा बन जाएगा टाइप 3 वाले सेल। और उसके बाद इंडिपेंडेंट ब्रांच की जब हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारा बन जाएगा टाइप 4 वाले सेल। फॉरेन ब्रांच नाम से ही पता चल जाता है, फॉरेन ब्रांच का मतलब क्या है, ये फॉरेन आउटसाइड कंट्रीज जब डील कर रहे तब बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ना, ये हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करने वाले। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई डिपेंडेंट ब्रांच की। सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांच के टॉपिक से। अब जब मैं डिपेंडेंट ब्रांच के टॉपिक से बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हम लोग करते थे कि सर इसमें बनाना क्या है, क्या क्या चीजें होगी डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर। तो आपको कुछ अकाउंट्स बनाने होंगे। सबसे पहला जो अकाउंट बनाना है वो है ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ। मैं बात कर रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ एचओ, एचओ का मतलब हेड ऑफिस। भाई हेड ऑफिस क्या करता है, तो एक ब्रांच अकाउंट बनाएगी। दूसरा हमारा अकाउंट बनाएगी ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट और ब्रांच पीएनएल अकाउंट, ये दो चीजें बनाएगी इन द बुक्स ऑफ एचओ। वर्किंग नोट के लिए सर आपको क्या क्या चीजें चाहिए होगी, तो भाई वर्किंग नोट भी बता देते हम लोग। वर्किंग नोट के अंदर सबसे पहले एक तो अकाउंट कंपलसरी बनेगा, कुछ भी कर लो वो होगा पेटी कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट। दूसरा जो अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट सेल्स अगर आपका हो रहा है, तो टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर जो आपको बनाना पड़ेगा, दैट इज डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, ये बनेगा टाइप 2 और टाइप 3 वाले सब के अंदर। थर्ड जो चीज आपको बनानी पड़ेगी टाइप 3 के लिए, दैट इज इनवॉइस प्राइसिंग कैलकुलेशन, इनवॉइस प्राइसिंग कैलकुलेशन, ये टाइप 3 वाले सम के अंदर बनाना पड़ेगा। तो सर क्या पेटी केस खाली टाइप 1 में ही आएगा? ना, पेटी केस तो आएगा सबके अंदर, टाइप 1, 2 और 3 सबके अंदर वो चीज आने ही वाली है। क्लियर? तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं हम लोग सम्स के बारे में। उसके बाद सम्स से पहले कुछ फॉर्मेट भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बनाया ब्रांच अकाउंट का, अगर आप देखो तो। अब ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे होता क्या, देखो ये डेबिट साइड पे जो जो चीज है हेड ऑफिस ब्रांच को बेचती है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जो जो चीज है हेड ऑफिस ब्रांच को बेचती है वो सारी चीजें आप, जैसे कि सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ गया सबका, फिर उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच, कैश कैश और बैंक जो खर्चे भेजे हमने वो, फिर तो अगर कोई इन सब के अंदर कोई प्रॉफिट लॉस होता है, मुनाफा होता है, ये एट द एंड पता चला है, दिस वुड बी द मिसिंग फिगर। अगर मैं बात करूँ ये हमारी मिसिंग है जो हमें फाइंड करनी। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट हमने यहाँ पे लिया, तो सिंपल सी बात है क्रेडिट साइड पे उसका ओपनिंग बैलेंस ऑफ किसका आएगा, लायबिलिटीज आएगा। अगर ओपनिंग बैलेंस अगर मैं बात कर रहा हूँ एसेट की डेबिट साइड पे, तो सिंपल सी बात है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट भी यहाँ पे होंगे ऑपोजिट साइड पे, तो लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हो। उसके बाद इस साइड पे क्रेडिट साइड पे ऑलवेज इसका एक सिंपल सा रूल है, सिंपल रूल ये बोल रहा है कि क्रेडिट साइड पे क्या है, जो चीज ब्रांच हेड ऑफिस को भेज रही है वो सारी की सारी चीजें क्रेडिट साइड पे आएगी। तो हमारा रूल फिक्स हो चुका है ब्रांच अकाउंटिंग का, भाई जो हेड ऑफिस ब्रांच को भेजे वो डेबिट साइड भेज दो, और जो ब्रांच हेड ऑफिस को भेजे वो कौन सी साइड पे भेज दो, क्रेडिट साइड पे। तो ये हमारा ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, इसको कोई रट्टे मारने की जरूरत नहीं, खाली लॉजिक दिमाग में डालो। हेड ऑफिस अगर ब्रांच को भेजे तो डेबिट साइड, ब्रांच अगर हेड ऑफिस को भेजे तो क्रेडिट साइड पर। अब उसके बाद यहाँ पे अगेन सेम थिंग,
आइदर ये पूरे सौदे के अंदर, पूरे साल के अंदर हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमें लास्ट में मिसिंग फिगर से फाइंड आउट करना। ये ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट की। तो ब्रांच ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट किस तरह से होते हैं वो देख लेते हैं। तो नीचे ट्रेडिंग अकाउंट आप सबको पता है किस तरह से बनता है, तो बस वही सारी चीजें हमने ट्रेडिंग के अंदर डाल दी है। इसके बाद जो मिलेगा यहाँ पे वो होगा हमारा जीपी या तो अगर जीएल, और सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया। इसका भी डेबिट रेट का चक्कर सेम है, जो जो चीजें पीएनएल में आती थी वो सारी चीजें हमने पीएनएल में डाल दी है। सेम चीज आइदर नेट लॉस आइदर नेट प्रॉफिट। नाउ रिमेम्बर वन थिंग, अगर यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है, मान लो ये आंसर जो आ रहा है या ये आंसर आ रहा है, ये दोनों आंसर आपके मैच होंगे ब्रांच अकाउंट से। ये दोनों के दोनों आंसर ब्रांच अकाउंट के प्रॉफिट या तो फिर लॉस से मैच करने होंगे। अगर ये दोनों टैली हो जाते हैं तो मान लो आपका आंसर सही है, इसके अंदर कोई गलती होगी नहीं। एक और अकाउंट जो हमने बनाना यहाँ पे देखना पड़ेगा वो होगा पैटी कैश अकाउंट। अब पैटी कैश अकाउंट मैंने बोला था, पैटी कैश अकाउंट में आता क्या? अब देखो अगर मैं बात करूं पैटी कैश अकाउंट की, क्या क्या चीजें पैटी कैश में आएगी, तो पैटी कैश अकाउंट कैसे बनाया जाता है ये वर्किंग नोट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे वर्किंग नोट। हर एक चीज की मैं बात बात में बता दे दूंगा। पैटी कैश अकाउंट, अब पैटी कैश अकाउंट में करना क्या आपको, सबसे पहली चीज पैटी कैश अकाउंट के अंदर, इसमें चार चीजों के अलावा कुछ चीजें नहीं आएगी। सबसे पहले यहाँ पे आएगा ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पे आने वाला है क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे आएगा कैश रिसीव्ड फॉर पैटी कैश, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, और यहां पे आएगा पैटी कैश एक्सपेंस, पैटी कैश एक्सपेंस। अब अगर हम लोग ध्यान से बात करें यहां पे, इन चारों चीजों में से कोई एक चीज गायब रही होगी, आपको ये 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 और चार चीजों में से कोई एक चीज गायब होगी आपको ढूंढनी। अब सिंपल सी बात है, ये कैश रिसीव फ्रॉम एचओ ये आएगा ब्रांच अकाउंट के अंदर, आपको लिखना है जब हेड ऑफिस ब्रांच से भेज रही है वो वाले सेट, हेड ऑफिस क्या कर रही है ब्रांच को भेज रही है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है ये डेबिट साइड आएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट कैश एसेट हो जाती है, तो ये भी ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, और यहाँ पे आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आएगा ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट वहां पे आते हैं। पेटी कैश एक्सपेंस वाली जो ये अमाउंट है वो आएगी आप लोगों की ट्रांजैक्शन के अंदर, जहां पे पीएनएल अकाउंट के अंदर, पीएनएल अकाउंट के अंदर, पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कहाँ पे आ रही है पेटी कैश की, मैंने सारी चीजें लिख दी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं ऊपर पीएनएल अकाउंट, एक चीज याद रखना जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ पीएनएल अकाउंट के अंदर, पेटी कैश एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन, ये दोनों चीजें अक्सर लोग भूल जाते हैं लिखना। बहुत बार हमने देखा हुआ है सम टैली नहीं हो रहा है, आंसर नहीं है, उसका रीजन ये होता है पेटी कैश लिखना भूल गया, डेप्रिसिएशन। हमारे चीजें ये दो चीजें पहले लिख देनी चाहिए, जैसे ही क्वेश्चन में आती है हम लोग पहले लिख देंगे पीएनएल अकाउंट, जिससे कोई भी दिक्कत रहे नहीं। चलो अब हम लोग जाते हैं आगे वाले सम के अंदर, तब तक के लिए देख लेते हैं। Thank you.